अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी छत पे आया हूं मैं, फीड लेके ना, बर्ड्स की फीड जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई थी, तो अभी वो मैं लेके आया हूं इनके लिए ना। बर्ड्स की तो नहीं, पैरट की ख़त्म हो गई थी, वो भी मैं लेके आया हूं। ये ना अब्दुल्ला से ले गया हूँ 5 किलो, जब ख़त्म होती है ज़्यादा नहीं मैं लेके आता है, ख़राब हो जाती है, सुंडी वगैरह लग जाती है, नहीं जाला वगैरह बन जाता है। तो जब ये ख़त्म हो गई ना तो फिर मैं और ले आऊँगा, ज़्यादा नहीं मैं लेके आता है। बाकी ये मैंने रोटी के टुकड़े किए हैं पीसेस छोटे छोटे ना, ये हम मोरों को डालेंगे। और ये साइड पे आप लहसुन देख रहे होंगे, ये वो जो टर्की चिक्स है ना, इसकी फीमेल बीमार है, उसको ना चिक निकला हुआ, उसके मुँह में दाने बने हुए हैं, तो ये उसको खिलाएँगे भी और उसके दानों पर यानी कि मस भी करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो। तो अभी इनको दाना पानी कर लें, ये मैं टुकड़े इनको डाल लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। लें जी अभी ना मोरों को डालते हैं ये रोटी के पीस। इसमें डाल देते, खा लो आके। अभी ये खा लेना पहले रोटी, तो फिर इसमें वो दाना। लें जी माशाल्लाह रोटी खा रहे हैं, बड़े शौक से रोटी खाते हैं अपने। जो आपके पास बर्ड वगैरह ना इस तरह के, ये तोतों के अलावा, उनको आप रोटी डाला करें, बड़े शौक से खाते हैं छोटे टुकड़े करके। अगर वो नहीं डाल सकते तो उसके बाद आप रोटी भिगो के ना, जब वो फुल नरम हो जाए तो उसके बाद उनको डाल दिया करें। बाकी बर्ड्स को भी मैंने दाना पानी कर दिया, चेंज कर दिया सारा कुछ उनका। पैरट्स को भी जो है ना मैंने फीड वगैरह डाल दी है, कुछ खा रहे हैं, कुछ खा के ऊपर चले गए हैं। बाकी रोटी तो वो खा रहे हैं, तकरीबन खा ली है, तो अब उनके आगे फीड भी डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि जब भूख लगे उनको वो फीड भी खा लें। तो इनको फीड डालते हैं, अब साथ में आपको भी दिखाते हैं। इसको बंद कर देना। ये पैरट की जो है फीड है, उसके बाद ये जो है ये मोरों की है, टर्की चिक्स को भी कभी कभी मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद ये जो है गाइनोफॉल की फीड पड़ी हुई है, तभी ये जो फीड है ना इतनी, ये हम अपने मोरों को डालते हैं ताकि जब भी इनको भूख लगे तो वो आराम से खा लें। ये जो इसने अपनी टेल के पर गिराए हुए ना सारे, इस सीज़न में ना ये अपनी टेल गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो इस सीज़न में ये ना अपनी टेल गिरा देते हैं, दिसंबर में ना इंशाल्लाह ये अपनी नई टेल निकालेगा, फिर और इसकी खूबसूरती जो है ना जो बढ़ जाएगी। तो अभी फीड खा रहे हैं, ये चेक करें आप। तो अभी इनको इनका दरवाज़ा करते हैं बंद, तो चलते हैं नीचे, फिर आपको सेकेंड टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो टर्की चिक्स की फीमेल बीमार थी ना, उसको मैंने लहसुन दिया, खा लिया उसने लहसुन। उसके बाद जो दाने वगैरह बने हुए थे ना, उस पर भी मैंने लहसुन को मस किया, इंशाल्लाह हो जाएगी 1-2 दिन में ना ठीक। अभी शाम को फिर ना इसको मैं लहसुन दूंगा। मेल जो है ना ये वाला माशाल्लाह एक्टिव है, ये जो है ना फीमेल वो चीचक की वजह से। बाकी ये गाइनोफॉल चेक करें आप, देखें माशाल्लाह उन्होंने कलर चेंज करना ना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपको ना शाम को मैं दिखाऊंगा दरवाज़ा खोल के ना, अभी गर्मी काफ़ी है तो अभी नीचे चलते हैं। तो अभी मैं सोच रहा था और पौधे लेके आऊं, लेकिन सोच रहा हूँ 1-1.5 हफ्ता ठहर जाऊं, तो उसके बाद मैं लेके आऊंगा। ये अभी छत पे आया हूँ मैं बारिश बंद होने के बाद, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, पौधे वगैरह जो है ना वो फ्रेश हो गए हैं, परिंदे भी फ्रेश हो गए। तो अभी दिखाते हैं आपको, ये केज मैंने इधर रख दिया हुआ है, ये याद नहीं रहा उधर रखा होता था सामने ना, वो धूप वगैरह होती रही है, तो ये मैं कल रखा था इधर के बारिश में। अब बस इतनी होनी है, सीज़न ख़त्म हो गया, तो अभी कोई नहीं, दाने में पानी चला गया इसके भी और इधर भी, कोई नहीं चेंज कर देते हैं। तो अभी ना इनको निकालते हैं आज ना बाहर, ये जो है ना टर्की चिक्स को और गाइनोफॉल।
ताकि ये थोड़ा सा घूम फिर लें बाहर। ये देखें जी माशाल्लाह से इनका कलर आ गए, नीचे आ गए, इनको भी निकालें बाहर। आ जाओ जी बाहर, आते जी पौधे पे टूट पड़े हैं जी सारे आ गए माशाल्लाह। ये जी मज़ा कर रहे हैं, खाने पीने में मसरूफ़ हैं। गोयना फॉल के जो चिक्स हैं वो मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन हफ्ते डेढ़ के बाद निकाले मैंने, ताकि घूम फिर लें। तो काफ़ी मज़े से घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। टोटल पांच चिक्स थे, जिनमें से एक जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, मुझे बताना याद नहीं रहा, तो उनमें से एक ना एक्सपायर हो गया हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारे मोर हैं, हैश एंड सूजी। तो हम ऐसा करते हैं कि इनका जो नाम है ना वो चेंज कर देते हैं, जो हमारी कूंज थी उसका हमने नाम रखा था जैक एंड फियोना। तो आज से हमने इनका जो नाम है ना वो हम रख देते हैं, जो मेल है उसका नाम हम जैक रख देते हैं और जो फीमेल है ना उसका नाम हम फियोना रख देते हैं। तो बहुत ट्राई कर रही है बाहर आके ना वो टर्की चिक्स को मारने की। तो इंशाल्लाह इनको भी ना तकरीबन 2 हफ्ते तक बाहर निकाला करेंगे, ताकि ये जो है ना छत के पक्के हो जाए, इनको घर का अपनी जगह का जो है ना वो पता चल जाए। बाकी इस टाइम जो है ना हमारा रेड रुजीला उसने शोर डाला हुआ है। ये जी रेड रुजीला सामने देखे क्या, वो रेड जो है ना रेड येलो वो फीमेल है हमारी। उसके बाद ये सन क्लोर हमारे, माशाल्लाह ये सामने जो बैठा हुआ ये मेल है, वो जो जाली के साथ है ना वो फीमेल है हमारी। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं अपना क्रीमिनो, वो जी साहब मेरे हमारे क्रीमिनो रे, ठीक है रिंग नेक। बाकी उसके बाद ये हमारे पास में, बाकी ये रहे जी। हाँ जी भाई आना है। उसके बाद ये रहे माश, ये वाइट को तो मैंने इनके साथ ही छोड़ दिया था, पहले वो नीचे बंद किया होता था इधर ना, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, इसकी नीचे वाली जगह पे गैप बहुत ज़्यादा है इधर ना, तो इधर से वो एक जालो वाला बच्चा निकल के उड़ गया होगा बेचारा, पता नहीं किधर होना, जिंदा भी होना मर गया ना। उसके बाद ये कॉकटेल है हमारे, ये फीमेल है और इसका जेंडर अभी कन्फर्म नहीं है। मैं तो जिस भाई से लेकर आया था ना, क्योंकि बाकी जो भाई भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।